हेलो दोस्तों, केम छो। नमस्कार, मैं भार्गव सियाने आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों ने जो कुरियर फ्रॉड वाला जो पिछला एक वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर से बहुत सारे लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेज किए कि ये फ्रॉड होता कैसे है और कितने सारे प्रकार के फ्रॉड है और ये फ्रॉड करने वाला लोगों को हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाती है। तो आज हम उसी के टॉपिक पे बात करेंगे कि ये सब लोगों के पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जाती कैसे है और उससे बचते कैसे। तो आज मैं पहले बात करने वाला हूँ कि जो मैंने पहले वीडियो के अंदर जितने भी सारे फ्रॉड के बारे में बताया था, कुरियर के अंदर जो फ्रॉड होता है, ओटीपी वाला होता है, कार्गो वाला फ्रॉड होता है, उन सब चीजों के बारे में तो बात पहले ही वीडियो में कर दी थी। लेकिन आज मैं एक नए फ्रॉड के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके अंदर कुरियर के अंदर ही वो फ्रॉड होता है जो डिलीवरी बॉय आके आपके साथ फ्रॉड करके चला जाए। दरअसल इस फ्रॉड के अंदर ऐसा होता है कि आपके घर पे कोई भी एक कुरियर बॉय आता है जो पार्सल लेके, बड़ा सा पार्सल लेके, पैकेट लेके आता है और बोलता है कि आपका ये पार्सल आया हुआ है। आप उसके ऊपर एड्रेस देखोगे तो आपका होगा, नाम आपका होगा, मोबाइल नंबर भी आपका होगा, और तो और आप जो कोई भी कुरियर के अंदर से आप ऑनलाइन शॉपिंग के दरमियान जो कोई भी चीज मंगाता है उसके ऊपर जो कोई भी एड्रेस लिखा होता है वो सेम टू सेम एड्रेस इस पार्सल के ऊपर भी लिखा होगा। आपको पार्सल देगा और बोलेगा कि आपको कुछ पैसे देने हैं। अगर बोलेगा कि मैंने पार्सल मंगवाया ही नहीं है तो बोलेगा कि कोई बात नहीं, आपने नहीं मंगवाया, कंफर्म कर लीजिए, घर के अंदर पूछ लीजिए, अगर किसी और ने ये पार्सल मंगवाया हो तो मैं आपको ये पार्सल दे देता हूँ वरना मुझे रिटर्न लेके जाना पड़ेगा। तो आप अपने घर के अंदर सभी को फोन करके पूछते हो कि आपने किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग किया हो या किसी और ने आपके लिए पार्सल भेजा हो, कुछ भी डिटेल हो तो आप हमें बताएं तो पार्सल रिसीव कर सकते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा आपको आंसर मिलता है कि किसी ने भी नहीं मंगवाया। आप उस डिलीवरी बॉय को जब ऐसा बोलते हो कि मैंने ये पार्सल नहीं मंगवाया है, मुझे पार्सल नहीं चाहिए, तुम वापस लेके चले जाओ, उस टाइम पर वो डिलीवरी बॉय आपको ऐसा बोलेगा कि कोई बात नहीं, शायद आपके नंबर से किसी ने गलत ऑर्डर दे दिया, तो आप मुझे काम कीजिए, मैं अभी आपको ये ऑर्डर कैंसिल का एक रिक्वेस्ट डालता हूँ, मैसेज डालता हूँ, उसके अंदर एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आप मुझे दे दीजिए तो मैं पार्सल आपका अभी के अभी कैंसिल कर सकता हूँ, आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है और आपका पार्सल इधर से वापस मिलकर चला जाऊंगा, पार्सल आपका ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। आप उसके साथ एग्री कर देते हो। जब वो बंदा आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजता है तब हम आपको उसको ओटीपी देते हैं, तब वो पार्सल कैंसिल करके, ऑर्डर कैंसिल करके रिटर्न चला जाता है। उसके जाने के 10 15 या 20 मिनट के बाद, ज्यादातर 20 मिनट के अंदर अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतने सारे पैसे धीरे धीरे करके पैसे जा रहे हैं, या तो एक ही पूरी की पूरी फुल अमाउंट के अंदर चले जाते हैं। आपको पता तक नहीं रहता है कि ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, और आप जब तक चेक करते हैं, जब तक सब कुछ चेक करने के बाद संभलने की कोशिश करते हैं, तब तक तो आपका अकाउंट खाली हो चुका होता है। इस चीज से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आपके पास कभी भी इस टाइप का कोई भी पार्सल, कुरियर या कोई भी चीज आए, उसको आप बोल दो कि मुझे नहीं चाहिए, आपका नहीं है तो बोल दो मुझे नहीं चाहिए, और अगर वो बोलता है कि आपको ओटीपी आएगा वो मुझे दे दीजिए, मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, तो आप उसको उसी टाइम पे बोल दीजिए कि मैं ओटीपी भी नहीं देने वाला हूँ, तेरे से जो करना है वो कर ले, ऑर्डर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर, नहीं करना है तो मत कर, तेरे को पार्सल लेके जाना है तो लेके चला जा, छोड़ के जाना है तो छोड़ के चला जा। आपने जब ऑर्डर दिया ही नहीं है तो आपके मोबाइल पे ओटीपी कैंसिल करने का क्यों आएगा, जबकि आपने ऑर्डर दिया होता तब भी एक मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो गया है, और जब डिलीवरी होता है तब भी एक मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर डिलीवरी हो चुका है। तो उसके अंदर आपने जब बुक करवाया ही नहीं है, आपके पास कोई ऐसा बुकिंग कंफर्मेशन नहीं आया है, तो आप उसको कैंसिल करने के लिए आपका ओटीपी क्यों देना चाहोगे। इससे बचने का बेस्ट उपाय है कोई भी ऐसा आए तो कोई भी डिटेल उसको ना दीजिए। और दूसरी बात यह है कि कई सारे लोग हमें मैसेज करके ये पूछते हैं कि ये सारी की सारी हमारे घर का एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा नाम, पूरा का पूरा परफेक्ट एड्रेस इन लोगों के पास कैसे चला जाता है। तो इसके अंदर ज्यादातर लोग कुरियर कंपनी वालों पे, कार्गो कंपनी वालों पे ब्लेम डालते हैं, डिलीवरी बॉय के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि तू ये सारा का सारा डिटेल हमारा फ्रॉड करने वालों लोगों को दे देता है, फोटो खींच के भेज देता है। हालांकि ऐसा होता नहीं। इसके अंदर मैं आपको जो कुछ भी सच बात है वो मैं बता देता हूँ। ब्लेम आप अगर किसी के भी ऊपर डालते हो तो वो आपकी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गलती करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही है। क्योंकि आप कभी भी कोई भी चीज ऑनलाइन मंगवाते हो, कुरियर से मंगवाते हो, कार्गो से मंगवाते हो, या किसी भी तरीके से कोई भी चीज मंगवाते हो, जो आपके पास डिलीवर होने के बाद आप उसके अंदर से अपनी चीज निकाल लेते हो, और वो जो बॉक्स होता है, वो एनवलप होता है, जो पॉलिथीन की जो थैली होती है, उसको आप वैसी की वैसी कचरे के डिब्बे में डाल देते हो। और वहां पर ये फ्रॉड करने वाले लोग उसी चीज का फायदा उठाते हैं कि आपने जो कोई भी चीज मंगवाई है उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, पूरा नाम होता है, आपकी सारी की सारी डिटेल होती है, आपने जो जो चीज मंगवाई है उसी के अंदर से वो आपकी पूरी की पूरी डिटेल लेते हैं, नया बॉक्स बनाते हैं, नया पार्सल बनाते हैं, नया एनवलप बनाते हैं, और आपके घर पे वो पूरी की पूरी डिटेल लेके डिलीवरी बॉय बनकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें आपके आपने पार्सल बुक करवाया है, और मैं जैसे पहले बताया वो सारी की सारी प्रोसेस आपके साथ करते हैं,
और जैसे ही आप कैंसिल करने के लिए ओटीपी देते हो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। अब ये बैंक वाली जो कोई भी प्रोसेस रहती है उसके अंदर ज्यादातर केस के अंदर ये फ्रॉड करने वाले इतने शातिर होते हैं कि उसके बारे में हमें ज्यादा मालूम पड़ता ही नहीं है कि इन लोगों के पास हमारी बैंक डिटेल कैसे आई। उस चीज के अंदर ऐसा होता है कि पार्सल के ऊपर जो QR कोड भी लिखा होता है तो उसके अंदर भी कुछ डिटेल आती है कि आपने UPI से पेमेंट किया है, नेट बैंकिंग किया है, आपने किस तरीके से पेमेंट किया है। तो उसके अंदर भी बहुत सारी पार्सल जो आपने मंगवाया हुआ है उसके ऊपर बहुत सारी डिटेल लिखी होती है, उसके अंदर सब डिटेल मिल जाती है उन लोगों को। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उनमें से वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज ढूंढ लेते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कैसे निकाले जाए। अब इस चीज से बचने का एक ही रास्ता है कि आपके घर पर कभी भी कुछ भी कुरियर मंगवाते हो या पार्सल मंगवाते हो या डॉक्यूमेंट मंगवाते हो तो उसके ऊपर जो आपका जिस एनवलप पे, जिस कागज पे, जिस बॉक्स पे आपका पूरा का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है उस चीज को आप मिटा दो, फाड़ दो, काट दो, जला दो, कुछ भी करो। हम लोग ज्यादातर वो जो बॉक्स आता है बॉक्स को इकट्ठा करते हैं 5-10 रुपए की लालच में कि इसको हम पस्ते में या बंगार वाले को देंगे तो इससे हमें 5-10 या 50 रुपए मिलेंगे। उस 50 रुपए की पाने की लालच में ज्यादातर हम हमारा लाखों हजारों का नुकसान कर बैठते हैं क्योंकि उसके ऊपर सारी की सारी हमारी डिटेल रहती है उस पार्सल के ऊपर, उस एनवेलप के ऊपर, जो फ्रॉड वालों के हाथ में आ जाती है और वो हमारे साथ ज्यादा फ्रॉड कर लेते हैं। जब कभी भी आप कुछ भी चीज मंगवाते हो उसको फाड़ दो, फेंक दो, काट दो, जला दो, कुछ भी करो, लेकिन वो चीज को ऐसे के ऐसे कचरे के डिब्बे में ना डालो ताकि फ्रॉड करने वाले के पास आपकी पूरी की पूरी डिटेल ना जाए। तो आगे से आप कुछ भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आप खुद फंस सकते हो। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। और हमारा जो पहला वीडियो है कुरियर फ्रॉड से कैसे बचे, उस पार्ट 1 के अंदर मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है कि कैसे फ्रॉड करते हैं और उस फ्रॉड से बचने के लिए भी और भी क्या क्या चीज करनी चाहिए, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं और आपको अभी आई बटन में भी दिख रहा होगा तो वहां पर जाकर भी आप वीडियो को देखिए और सभी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।